अगर घर में मैंगो जूस पड़ा होता तो मुझे ये पानी नहीं पीना पड़ता। बेकार की बातें बंद करो शिनचैन। शिनचैन बेटा, तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए। ठीक है डैड, आप घर पर क्या कर रहे हैं? ऑफिस नहीं गई? आज कॉम्पेंसेशन डे है। क्या कहा? कॉम्पेंसेशन? बेटा कॉम्पेंसेशन इसका मतलब मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ और इसके बदले सैटरडे या फिर संडे को काम पर जाना पड़ेगा मुझे। इसलिए मुझे भीड़ वाली ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज। कॉम्पेंसेशन डे की वजह से कितनी बढ़िया बात है ये। ठीक है मैं तैयार हूँ, देर करते हो शिनचैन। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहा ये। अरे हिमा वाणी उठ गई। सुनिए हैरी, क्या आज आप शिनचैन को स्कूल छोड़ाएंगे? देखिए अगर आप स्कूल छोड़ने जाएंगे तो इस बहाने आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। रोज तो मैं ही जाती हूँ ना, आज आप चले जाइए। क्या करें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैरी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ डैड, बाय। चलो दुकान से जूस ले लेता हूँ। कौन सा वाला लूँ, ये या एप्पल जूस? ये या एप्पल जूस? ऐसा करता हूँ दोनों ही ले लेता हूँ। डैड आप यहाँ? बहुत दिन हो गए डैड, मुझे तो लगा था मिसाई ने तुमको बता दिया होगा अब मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रहूंगा। अच्छा ऐसी बात है? मिसी ने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना? आज कॉम्पेंसेशन डे है, मैं अभी शिनचैन को स्कूल में छोड़ कर आया हूँ, फिर सोचा कि मार्केट से थोड़ा जूस ले लेता हूँ। देखो जब मैं टीचर था तो मैं काम वाले दिन ऐसा करने की नहीं सोचता था, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे हाँ ये तो एक टीचर हुआ करते थे। देखिए एप्पल जूस ही ऐसा ड्रिंक है जिससे हम फ्रेश महसूस करते हैं, अच्छा है ना ये? चाहे आप इसे छुट्टी वाले दिन पिए या फिर काम वाले दिन, हमेशा अच्छा लगता है। डैड आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं तो मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहूँगा। अगर आप कहें तो मैं कुछ और भी बना सकता हूँ आपके लिए, जैसे कुछ बढ़िया सी सुशी या पिज्जा, टमाटो सूप, कुछ भी जो आप कहें। डैड बोलिए ना क्या खाना चाहेंगे आप? वैसे छोले भटूरे या दही खा सकते हैं हम लोग। अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, घर इतना दूर क्यों लग रहा है आज? लीजिए डैड हम पहुँच गए घर। मुझे पता है बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग आपको घर पर देखकर बहुत खुश होंगे। डैड मैं घर आ गया। अरे ये है क्या? मिट्सी और हिमावारी घर पर नहीं है क्या? लगता है वो कुछ खरीदारी करने के लिए गए। चिंता मत कीजिए मैं उन्हें भी फोन करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही मिट्सी? क्या हुआ हैरी? कहाँ पर हो तुम सब? मैं स्टोर आई थी हिमावारी के साथ कुछ खरीदने। तुम्हारे डैड आए हुए हैं। अरे डैड माफ करना, जब तक मैं ना आ जाऊँ आप डैड का ख्याल रखना। क्या कह रही हो, इतनी देर उनके साथ रहना मेरे लिए आसान नहीं है मिट्सी। हाँ, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी, तब तक आप डैड के साथ टीवी पर प्रोग्राम देखिए। वैसे डैड आप यहाँ किसी काम से आए हैं क्या? मैं पूछ रहा था ऐसे ही बस। मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये तुम्हारे लिए है। ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरे दोस्त के लिए है और ये शिनचैन और बाकी सब के लिए। चाय? मैं चाय बनाता हूँ डैड आपके लिए। नहीं नहीं चाय रहने दो, तुम चाय से ज्यादा जूस पीना चाहे ना? वो तो है। तो फिर इस तरह से शर्मा क्यों रहे हो? सच में डैड ऐसा है क्या? मैं अभी लाता हूँ। 10:30 बज गए, मिट्सी वापस क्यों नहीं आई?
एक मिनट कितना लंबा लग रहा आज। वेलकम बैक डैड, मैं आ गया। तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया शिनचैन? अरे नाना जी आप यहाँ? हाँ मैं। आप सूट में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या सच में? आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए शिनचैन बेटा, बहुत अच्छा किया। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बस ऐसी हाल चाल पूछ रहे थे। लगता है तुम्हें भूख लगी है, क्यों ना हम लोग खाना खाए डैड। अब सोचना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या दिया जाए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज। खाना बाहर से आएगा? हाँ, आप क्या खाना चाहेंगे बताइए ना मुझे। मैं चाउमीन और पिज्जा खाना चाहता हूँ डैड। एक चीज बताओ, ये क्या खा रहे हो तुम बेटा? ये तो वो मिठाई है जो नाना जी लाए हैं, है ना? शिनचैन, अरे ये वो मिठाई है जो तुम्हारे नाना जी अपने दोस्त के लिए लाए थे। ये महंगी मिठाई तो बहुत ही टेस्टी है डैड, आपको भी खानी चाहिए। अरे ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त की मिठाई है, इसे नहीं खाना चाहिए। मैंने तो बस एक ही खाई है डैड। तुम्हें एक भी नहीं खानी चाहिए थी डैड। शिनचैन को माफ कीजिए, इसने थोड़ी सी मिठाई खा ली है। देखो ये मिठाई थोड़ी सी अलग है, ये मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं लेकर आया था। अब लगता है मुझे ही ये सारी मिठाई खानी होगी। अरे बस कर दो शिनचैन। ये मिठाई मेरे उस दोस्त के लिए थी जिससे मैं 10 साल बाद मिलने वाला हूँ, समझे? 10 साल? आखिर वो कितना समय होता है? जितनी तुम्हारी उम्र है उससे भी ज्यादा। डैड अब शिनचैन ने थोड़ी सी मिठाई खा ली है तो क्यों ना आप उनके लिए कुछ और खरीद लीजिए, मिठाई हम बाद में भेज देंगे। देखो जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अरे डैड आप एक अच्छा आइडिया भी नहीं सोच पा रहे हैं। बेकार की बातें मत करो शिनचैन, अभी तक मिठाई खा रहे हो तुम। क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता है कुछ। मैं आ गई, माफ कीजिएगा मुझे आने में देर हो गई। मैं घर आया, डैड थे, नाना जी थे और मिठाई थी, मैं खा गया, दोस्त को मिठाई देनी थी। है? क्या मतलब? शिनचैन ने डैड के दोस्त की मिठाई खा ली मिट्सी, और कोई बात नहीं है। डैड आप कैसे हैं? मिट्सी। देखिए हमारे पास सब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हम सब एक एक मिठाई खा लेते हैं और ये पूरा डिब्बा ही खाली हो जाएगा। तुम चुप नहीं रह सकते शिनचैन। क्या करें अब? ये मिठाई, अरे ये मिठाई तो बहुत फेमस है। हाँ याद आया हैरी, आप इसे मॉल की साथ वाली दुकान से खरीद सकते हैं, ये वहाँ आपको जरूर मिलेगी। ठीक है मैं अभी जाता हूँ। इंतजार करो मेरा। ध्यान से जाइएगा। आज इस तरह शिनचैन की वजह से मुझे अपने सर पे सामान उठाकर जाना पड़ रहा है।